हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ चावल की रोटियां। तो कुछ अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए थे मंच मंचन वाले, और एक और पैराग्राफ नीचे दिया गया था पात्र वाला, तो वो हमने कर लिया था। अब जो उसके आगे के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आगे के प्रश्नों के उत्तर। एक चावल कई कई रूप। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियाँ बनाकर रखी थी। पाठ में हमने पढ़ा था कि कोको की माँ ने क्या बनाया था, कोको के लिए चावल की रोटियाँ बनाई थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। प्रांत होते हैं राज्य, जैसे भारत में आपको पता है 28 राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तो इनको बोला जाता है राज्य या फिर प्रांत। तो आपको पता है भारत एक बहुत विविधता वाला देश है, तो भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, जो प्रांत हैं, उनमें चावल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको भी पता होगा, आपके घर में भी मम्मी चावल को कितने तरीके से यूज़ करती है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। देखिए, एक तो भोजन जैसे रोटियां बना दी हैं या परांठे में मिला दिया है चावल का आटा, या फिर नमकीन चावल बना देती है मम्मी, मीठे चावल बना देती है ना, या फिर जैसे जलेबी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी चावल का आटा डाला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चावल को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है। अब देखिए, हमारी कक्षा में क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रांतों के बच्चे हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हरियाणा से है ना, कोई बिहार से है। तो ये कह रहा है कि आपके जो प्रांत में, आपके राज्य में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है, आपको घर में बातचीत करके पता करना है, अपनी मम्मी से पूछना है, अपने अपनी दादी से पूछना है, और एक तालिका बनानी है। तालिका यानी कि एक लिस्ट बनानी, एक सूची बनानी है आपने कि क्या क्या मम्मी चावल से बना सकती है और क्या क्या वो बनाती है। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगी कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। अब देखिए, जो महाराष्ट्र वाला बच्चा है उसकी लिस्ट में क्या होगा, डोसा होगा, इडली होगी, है ना, और जो हरियाणा की तरफ के बच्चे हैं उनकी में क्या होगा, रोटियां होंगी, परांठे होंगे, चूरमा होगा। तो इस तरीके से बच्चों की जो अलग अलग सूची बनती है, अलग अलग जो तालिका वो बनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पीछे फसलों के त्यौहार पाठ में भी किया था, भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, अलग अलग है ना पहनावा, और रहने सहने का तरीका भी अलग अलग है। तो इसी तरीके से जो खान पान का तरीका है वो भी भारत में बहुत अनूठा है, यानी कि बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से है। तो देखिए, आपको सभी बच्चों को अपनी मम्मी से, दादी से पूछ करके अपने घर में कि वो चावल का आटा किस किस तरीके से यूज़ करते हैं या चावल से क्या क्या बनाते हैं, आपको अपनी सूची बना लेनी है। मैं बता देती हूँ कि मेरी माँ घर में क्या क्या बनाती है। मेरी माँ ना घर में नमकीन चावल बनाती है, मीठे चावल बनाती है, पुलाव, यानी कि आपको पता है थोड़ा सा नमकीन चावल से अलग तरीके से बनाया जाता है ना, बाद में उसको छोक लगा करके, वेज बिरयानी जिसमें बहुत सारी सब्जियां डाल करके, है ना, चावलों को जब छोक लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं वेज बिरयानी। जीरा राइस, सिंपल कुछ भी नहीं, वाइट चावल में जीरे का छोक लगा देती हैं तो उसको जीरा राइस बोल देते हैं। तो इसी तरीके से चावल के अलग अलग हो गए ना तरीके, है तो एक ही चावल लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग अलग हो गया, उसमें अलग अलग सामान डाला गया है। खिचड़ी, खिचड़ी तो आप सबको पता है, आप सब ने खाई होगी। चावल की रोटियाँ जैसे कोको की माँ ने बनाई थी, और खीर बनती है ना, चावल से खीर भी बनती है ना, खीर में डाले जाते हैं चावल। इसके अलावा चावल के आटे का इस्तेमाल और किस किस चीज़ में होता है, देखिए बड़े जब बनाते हैं ना, बड़े तो बड़े में भी चावल का आटा डाला जाता है। सैंडविच बनाते हैं तो सैंडविच में थोड़ा सा आटा मिला देते हैं, परांठे बना देते हैं तो परांठे में बना देते हैं, क्योंकि चावल का आटा डालने से ना वो चीज़ कुरकुरी सी हो जाती है तो अच्छा लगता है। चिल्ला बनाते हैं, है ना, बेसन का चिल्ला आपने ज़रूर खाया होगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो चिल्ले में भी मिला देते हैं। डोसा बनाते हैं तो डोसे में सूजी के साथ मिला देते हैं, उत्पम में मिला देते हैं। मालपुड़ा जब बनाते हैं, जैसे मालपुआ बोलते हैं, मालपुड़ा भी बोलते हैं, उसमें भी चावल का आटा मिलाया जाता है। और गुलगुले तो आप सबने बरसात के मौसम में खाए होंगे, उसमें भी चावल का आटा मिलाया जाता है, ठीक है। तो आप अपने घर में पूछ करके भी इसमें लिस्ट में कुछ निकाल सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हमारा अगला प्रश्न है कि अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो। अरे ये तो बहुत महंगा पड़ गया हमें तो इतनी लिस्ट बनाना। अब ये कह रहा है कि आपने चावल से तो अब बनाती तो मम्मी है,
लेकिन हमें उसकी विधि पता करनी पड़ेगी कि मम्मी बनाती कैसे है, ठीक है। तो आपको उसकी विधि पता करनी है, आपकी तालिका में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं कि वो कैसे बनाती हैं। तो इसके हिसाब से आपने लिखना है कि सामग्री क्या क्या यूज़ होती है। सामग्री यानी कि सामान, जब वो चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या सामान हम यूज़ करते हैं, सारी लिस्ट बना लेनी है। तैयारी, उसके लिए हम क्या क्या तैयारी करते हैं, यानी कि सामान तो ले लिया लेकिन उसके बाद बनाने से पहले तैयारी करनी है ना, सब्जियां वगैरह अगर डाल रहे हैं तो उनको काटना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं तैयारी करना। और विधि, विधि यानी कि जब सारी तैयारी हो जाती है तो उसको जो पकाने का तरीका है, वो बनाने का जो तरीका है, उसको बोलते हैं विधि। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि मीठे चावल, मुझे मीठे चावल बहुत पसंद है, तो मीठे चावल बनाने का तरीका मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया था, तो हम यहाँ पर मीठे चावल बनाने की विधि लिखेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को कुछ और आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो आप उसकी भी विधि, सामग्री और तैयारी लिख सकते हैं। तो देखिए, मीठे चावल बनाने के लिए एक कप चावल लेंगे तो उसके लिए 3 गुना पानी पड़ता है, 3 कप पानी लेना पड़ेगा। 2 चम्मच घी छोंक लगाने के लिए, 1/2 चम्मच सौंफ, मीठे चावल में सौंफ डाली जाती है, उसके बाद 1/2 नारियल, ठीक है, उसमें नारियल डाल देते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तैयारी क्या क्या करनी पड़ेगी इसके लिए, देखिए चावल को पहले आपको पता है अच्छे से धोना पड़ेगा, तो पानी बदल बदल करके 4-5 बार अच्छे से धो लेंगे, और फिर जो नारियल लिया है हमने उसको चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ठीक है। ये हमारी तैयारी हो गई। अब बनाएंगे कैसे, उसकी विधि क्या होगी, तो देखिए गैस को ऑन करके कुकर को उसके ऊपर रखेंगे। अब घी डालकर गरम होने देंगे, ठीक है, घी डाल दिया, फिर जब वो गरम हो जाता है तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब सब्जी बनाती है तो बाद में उसमें जीरा डालती है, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, सौंफ डालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें गरम होने के बाद हम सौंफ डाल देंगे, और जैसे ही सौंफ का रंग चेंज हो जाता है, थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा हो जाएगा, तो इसमें हम क्या डालेंगे, चावल डाल देंगे, और जो अपना पानी लिया है 3 कप वो डाल देंगे, और जो नारियल के टुकड़े हैं वो डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, कुकर को बंद करके हम धीमी आँच पर, है ना, अगर तेज़ आँच करेंगे तो वो जल्दी से पकेंगे नहीं, उसमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ेंगी, ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, तो इसको धीमी आँच पर पकाते हैं और 4 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में सीटी आती है ना, तो धीमी आँच पर 4 सीटी आ जाएंगी तो वो पक जाते हैं, ये एक आइडिया होता है। कुकर की हवा जब निकल जाती है ना, ऐसे अगर एकदम से हवा निकाल देते हैं तो वो पकते नहीं है चावल, तो उसकी अपने आप जब हवा निकल जाती है और जब हम उसको खोल कर देखते हैं तो खुशबूदार मीठे मीठे चावल तैयार हैं, ठीक है। तो विधि मैंने बता दी है, आप भी ट्राई करना, ठीक है, अपनी मम्मी के सामने मम्मी को बोलना आज मीठे चावल मैं बना के खिलाती हूँ आपको, ठीक है। सभी बच्चे इसका ट्राई करेंगे, हाँ मम्मी के सामने करना, मम्मी या बहन होनी चाहिए पास में ताकि वो आपको देख सकें, और कुछ अगर ऐसा है मिस तो वो आपको बता भी सकें, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए, हमने पढ़ा था ना पाठ में, पहली ही लाइन थी, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। तो देखिए धान के नीचे इसने एक लाइन लगा दी, हम इसको बोलते हैं रेखा, चावल के नीचे भी एक उसने लाइन लगाई है, तो जब किसी शब्द के नीचे रेखा लगा दी जाती है तो हम उसको बोलते हैं रेखांकित शब्द। ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया, आप लिख भी सकते हैं, जब किसी शब्द के नीचे लाइन लगा देते हैं तो हम उस शब्द को बोलते हैं रेखांकित शब्द। जैसे देखिए मैं आपसे बहुत सारी कई बार व्याकरण के क्वेश्चन बनवाती हूँ, तो लाइन में से पूरे वाक्य में से क्या करते हैं, किसी एक शब्द को रेखांकित कर देते हैं, और फिर पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द का वचन बदल कर लिखो, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, रेखांकित शब्द का लिंग बदल कर लिखिए, है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेखांकित शब्द यानी कि जिसके नीचे रेखा लगी हुई हो। तो देखिए यहाँ पर धान और चावल के नीचे रेखा लगाई है, तो ये कह रहा है कि एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना, है तो एक ही चीज़ चावल है लेकिन उसका दूसरा रूप है धान, नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं तो आपको उनमें अंतर बताना है। अब देखिए पहला हमारे पास चावल, चावल के अलग अलग क्या रूप होते हैं, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, इसी तरीके से आपने मम्मी से सुना भी होगा, कई बार वो बताती है मैंने साबुत दाल बनाई है, कई बार बोलती है मैंने धुली हुई दाल बनाई है, कई बार बोलती है छिलके वाली दाल बनाई है। तो अगर आपको, मैंने ये पहले भी बताया है, अगर बच्चों को कुछ भी नया सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो आपने अपने घर वालों से ज़रूर पूछना है, अपनी मम्मी से पूछिए, अपनी बहन से पूछिए, अपने भाई से पूछिए, पापा से पूछिए, कुछ भी नया ऐसा होता है, जैसे मम्मी अगर बोलती है साबुत दाल बनाई, तो मम्मी से पूछिए ना साबुत दाल क्या होती है मम्मा, ठीक है, तो आपको जरूर सब बातें पता चल जाएंगी अपने आप।
अगला है गेहूं के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे गेहूं है दलिया भी बनता है, उससे आटा भी बनता है, मैदा भी बनता है और सूजी भी बनती है। तो अब आपको बताना है कि इनमें अंतर क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चावल क्या होता है? चावल तो आप सबको पता है कि एक अनाज का नाम है ना, और कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे अलग अलग किस्म के आते हैं, हल्के भूरे रंग के भी आते हैं, जिसको आप ब्राउन राइस बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा मार्केट में ब्राउन राइस। और एक लंबे लंबे बहुत महंगे वाले चावल आते हैं, वो होते हैं सुनहरे रंग के, है ना, हल्के हल्के लाइट गोल्डन कलर के, तो उनको बोलते हैं सुनहरे रंग के चावल, ठीक है। अब धान क्या होता है? देखिए धान जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, धान क्या है? ये चावल के ऊपर जो छिलका होता है, जब तक चावल के ऊपर का छिलका नहीं हटाया जाता तब हम क्या बोलते हैं उसको? धान बोल देते हैं। आपने धान की खेती भी देखी होगी, है ना, अगर आपके आसपास खेत हैं तो ज़रूर देखा होगा आपने। भात क्या होता है? अब देखिए आपने कई बार देखा होगा, जैसे मम्मी क्या करती है, पानी में डाल करके सिंपल चावल बना देती है, प्लेन वाइट, है ना, तो और फिर पानी एक्स्ट्रा होता है तो उसको निकाल देती है, तो इसी को बोला जाता है भात, ठीक है। तो जब पानी में हम चावलों को पका देते हैं धो करके साफ़ करके, तो उसको बोलते हैं भात। तो आप इसको कैसे कैसे खाते हैं? कुछ लोग बुरे के साथ खाते हैं, शक्कर के साथ खाते हैं, जिनको नमकीन तरीके से खाना है वो कढ़ी के साथ, दाल के साथ और पनीर के साथ खाते हैं, ठीक है। अब मुरमुरे क्या होता है? अब देखिए मुरमुरे आप लोगों ने खाए ज़रूर होंगे, है ना, और नहीं खाए हैं तो खा लेना। देखिए चावल को जब हम सेक करते हैं ना, बेक करते हैं, जैसे बिस्किट बनाए जाते हैं बेक करके, है ना, चनों को भून दिया जाता है बेक करके, तो वैसे ही जब चावल को बेक करते हैं, चावल को सेकते हैं, तो क्या है? मुरमुरे बन जाते हैं, खील जैसी सी, देखिए ना आपने, ये सफ़ेद सफ़ेद ऐसी आपने खाई भी ज़रूर होंगी। और इनके क्या बोलते हैं? भेलपुरी, आपने ये तो ज़रूर खाई होगी बाज़ार में किसी रेहड़ी वाले से, नमकीन में भी आपने देखा होगा मुरमुरे होते हैं, और मुरमुरे के गुड़ वाले लड्डू भी बनाए जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, मुझे बहुत पसंद है। चिवड़ा क्या होता है? अब देखिए चिवड़ा, चिवड़ा यूपी में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में इसको चिवड़ा बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली आपने सुना होगा पोहा, ठीक है, तो चिवड़े को पोहा भी कहते हैं, पोहे को ही बोला जाता है चिवड़ा। और ये कैसे बनता है? देखिए चावल को भिगो देते हैं, फिर चावल को क्या करते हैं, दबा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है उसके पास, तो आपको पता है किसी चीज़ पर प्रेशर डालते हैं तो वो पतली हो जाती है, तो ऐसे वो दब करके जब पतला हो जाता है बिल्कुल, है ना, देखा है ना आपने पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, तो वो जब उनको भिगो करके, उनको दबा करके जब वो पतला हो जाता है और फिर उसको उसकी नमी निकाल दी जाती है सूखा करके, तब उसको बोलते हैं पोहा। अब साबुत दाल क्या होती है? ठीक है, अब देखिए आपने वैसे तो बहुत सारी दाल देखी होंगी, सोयाबीन की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, है ना, बहुत सारी दाल देखी होंगी, लेकिन नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि साबुत दाल बनाई है तो वो कौन सी होती है? मूंग की दाल की बात होती है। वैसे तो सारी दाल साबुत होती हैं, लेकिन क्योंकि मूंग की दाल के बहुत सारे अलग अलग रूप आपको देखने को मिलते हैं, तो नॉर्मली आप बोलेंगे अरहर की दाल दे दो, है ना, सोयाबीन की दाल दे दो और मुझे राजमा दे दो, तो वो सिंपल दाल साबुत ही होती है सारी, लेकिन क्योंकि मूंग की दाल है उसको पीस करके अलग अलग तरीकों में ढाला जाता है, तो इसीलिए उसी के लिए ज़्यादा साबुत दाल का यूज़ करते हैं। अब देखिए धुली हुई दाल क्या होती है? देखिए जब मूंग की दाल है ना जो, उसको पीस देते हैं, और कैसे पीसते हैं कि उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, और जब एक मूंग के दो टुकड़े हो जाते हैं तो और उसका जो छिलका होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है, तो वो अंदर से जो पीले रंग की निकल करके आती है वो छिलका बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, पता भी नहीं चलता कि इसके ऊपर छिलका था, तो उसको कहते हैं धुली हुई दाल, ठीक है। और ये देखने में कैसी होती है? पीले रंग की होती है। अब देखिए छिलके वाली दाल फिर कौन सी होती है? वैसे तो आपको पता है सभी दालों के ऊपर जो छिलका होता है, लेकिन मूंग की दाल के लिए ये यूज़ किया जाता है। देखिए जब मूंग की दाल को पीसते हैं ना, तो धुली हुई दाल में क्या है, उसका छिलका हटा दिया जाता है, लेकिन छिलके वाली दाल में क्या करते हैं, सिर्फ मूंग को दो टुकड़ों में कर दिया जाता है, एक मूंग को दो टुकड़ों में कर दिया जाता है, लेकिन उसका छिलका नहीं हटाया जाता, ठीक है, तब उसको बोलते हैं छिलके वाली दाल, और ये देखने में हरी होती है और अंदर से पीली होती है, ठीक है। अब देखिए गेहूँ के बहुत सारे रूप आए हैं यहाँ पर। गेहूँ आपको पता है, गेहूं तो सभी बच्चों ने देखा होगा, गेहूं की रोटियां आप सब लोग हर रोज़ खाते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरी बनाते हैं, है ना, कुछ भी बनाते हैं तो गेहूं के आटे की ही बनाती है मम्मा। अब देखिए दलिया क्या होता है? कुछ बच्चों ने दलिया भी खाया होगा। गेहूं को जब पीस देते हैं ना, एक गेहूं का दाना है उसको चक्की में डाल करके जब तीन चार हिस्सों में उसको तोड़ दिया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं पीसना। तो इसको जब ऐसे पीस देते हैं तो इसको बोलते हैं दलिया। आटा नहीं होता है,
पीसने के बाद आटा भी बनता है, लेकिन सारे पीसने के बाद बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके साइज में फ़र्क होता है। ठीक है, गेहूं को जब एक गेहूं को 3 या 4 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो बहुत मोटा मोटा दिखाई देता है ना, आप ऐसे फील भी कर पाएंगे उसको हाथ में लेकर के। इसको बोलते हैं दलिया। अब देखिए आटा क्या होता है, आटा तो आप सबको पता है, आटे से तो रोटियां बनाती है मम्मी, है ना, सफ़ेद रंग का देखा है आपने। तो गेहूं को जब हम बारीक पीस देते हैं तो क्या होता है, आटा बन जाता है, दलिए से और ज़्यादा बारीक पीस देते हैं। और आपको पता है ना, आप पूरी खाते हैं, रोटी खाते हैं, परांठे खाते हैं, या जो भी चीज़ मम्मी बनाती है सब आटे से ही तो बनाती है। मैदा क्या होता है, मैदा होता है जब गेहूं का, देखिए मैदा होता है बिल्कुल सफ़ेद रंग का, है ना, क्या करते हैं गेहूं का छिलका उतार करके और उसे बिल्कुल बारीक पीस देते हैं, आटे से भी बहुत ज़्यादा बारीक पीसते हैं। आपने अगर मैदे को हाथ लगाया होगा जब मम्मी समोसा बनाती है या कोई भी और चीज़ मैदे की बनाती है तो देखा होगा, तो मैदा बहुत ज़्यादा बारीक होता है ना, तो उसे आटे से भी बहुत ज़्यादा बारीक जब पीस देते हैं और उसका छिलका उतरे वाले गेहूं का पीसते हैं तो वो मैदा बन जाता है। और देखिए जब उस छिलका उतार करके उस गेहूं का बारीक की बजाय दलिए से थोड़ा सा और दरदरा पीस देंगे और आटे से थोड़ा सा मोटा पीस देंगे तो क्या बन जाएगी, सूजी बन जाएगी। ठीक है, आप हाथ में लेकर के देखेंगे सारी चीज़ों को तो आपके साइज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है के मे ने को से, ये वाले शब्द सुने हैं ना आपने, कहाँ सुने हैं? आप कोई भी एक वाक्य बोल करके देखिए, उनमें ऐसे तरीके के जो शब्द हैं छोटे छोटे वो ज़रूर आएंगे। जैसे आप बोलते हैं मैंने अपने मामा से फ़ोन पर बात की, है ना, करते हैं ना बच्चे अपने मामा से फ़ोन पर बात करके, तो देखिए आपने क्या बोला, मामा से बोला ना, फ़ोन पर, यहाँ पर बोला, तो क्या होता है अगर आप बोलते मैंने मामा बात की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये जब बीच में शब्द लगा देते हैं अपने मामा से फ़ोन पर बात की तो आपको अब पूरा वाक्य है उसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे वाले शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं बीच में, उनका एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध जोड़ने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं गिलास में पानी पिया, तो है ना, अगर गिलास पानी पिया तो हमें मतलब ही समझ में नहीं आएगा, गिलास पानी पिया क्या मतलब है। अगर आप बोलेंगे गिलास में पानी पिया तो आपको पता है गिलास और पानी का संबंध बीच में किसने जोड़ा, में, यानी कि पानी किस में डाल करके पिया, गिलास में। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे शब्द हैं ये क्या बोलते हैं, वैसे इनको कारक बोलते हैं, है ना। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आपको बाद में बताएंगे अगली कक्षा में, इनको कारक बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे अब यहाँ पर आप जान लें कि इनको क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक वाक्य भी लिखा है कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, तो यहाँ पर 3 शब्द हैं उनके नीचे रेखा लगाई है, की, ने और से। ठीक है, तो ये रेखांकित शब्द हैं। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं ना। जैसे देखिए कोको की माँ, अगर की नहीं लगाते तो हमें क्या पता चलता किसकी माँ है। ठीक है, अब देखिए माँ ने, अब हमें क्या पता चलता किसने खरीदा, इसने लिखा ने तभी हमें पता चला। तो क्या करते हैं ये वाक्य में क्या करते हैं, शब्द जो हैं उनका आपस में संबंध बताते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे एक मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। देखिए अनारकों के 8 दिन बहुत अच्छी एक कहानी है। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़ना अनारकों के 8 दिन। अब उसका एक छोटा सा अंश यानी कि भाग, अंश को आप कह सकते हैं भाग, छोटा सा हिस्सा, उसके खालिस्तानों में इस प्रकार के आपने शब्द भरने हैं। ठीक है, आप बोल करके देखेंगे तो आपको पूरी लाइन बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या आता है, आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगा। जैसे देखिए अनार को एक लड़की है, घर डैश दे दिया है यहाँ पर आपको भरना है वो शब्द, घर लोग उसे अन्नो कहते हैं, तो क्या भर सकते हैं आप बच्चे, देखिए घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं, घर पर लोग उसे अन्नो कहते हैं, या घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं, तीनों सही बैठ रहे हैं आप, बिल्कुल तीनों में से कुछ भी भर सकते हैं आप। तो इस तरीके से जब आप बोल बोल करके देखेंगे ना तो आपको सही पता चल जाए। आगे देखिए अन्नो नाम छोटा जो है सो उस हुक्म चलाना आसान होता है, तो आप जैसे एकदम से बोलेंगे अन्नो नाम छोटा जो है सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। बच्चों का घर में नाम निकाल दिया जाता है ना छोटा, जैसे अगर किसी का नाम बड़ा है सनाया है तो क्या बोलते हैं उसको, सीनू, है ना,
अगर छोटा नाम निकाल देते हैं, किसी को कुकू बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं छोटे नाम से, मम्मी जो घर में बुलाती है, तो छोटा नाम क्यों रखते हैं? ताकि बुलाने में इजी होता है। तो ये कह रहा है कि उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। हुक्म यानी कि आदेश, ये शब्द बहुत बार आ चुका है पहले। अनो पानी लिया बोलते हैं ना बड़े लोग, अनो धूप में मत जाना, अनो बार अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश डैश भीगना मत, अनो क्या बोलते हैं, बारिश में भीगना मत अनो, और कोई बाहर डैश घर में आए तो घर वाले कहेंगे, कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले क्या कहेंगे, ये हमारी अनार को है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से हूँ हैं यानी कि जब आप बात करते करते हूँ ऐसे करते हैं ना, तो बोलते हैं प्यार से। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। क्या होता है, बच्चा कई बार रात में सपना देख लेता है तो वो डर जाता है, तो इसे बोलते हैं हाँफना। जब वो सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई, है ना, रात सपने में बहुत बारिश हुई। आप एकदम से बोलेंगे वाक्य तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या आएगा। अनार को याद किया, नहीं यहाँ पर आएगा अनार को ने याद किया, ठीक है, और उसे लगा आज डैश सपने में, आज के सपने में, ठीक है, आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। जैसे ही आप वाक्य पढ़ते जाएंगे आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। कभी नहीं जम के बारिश हुई थी आज के सपने में, और जमकर उसमें भीगी थी अनार को, ठीक है, वो कह रही है आज के सपने में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसमें जमकर भीगी थी अनार को, जमकर यानी कि बहुत ज़्यादा नहाई थी वो बारिश में, खूब उछली थी कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था, है ना, और खूब भीगी थी जैसे बच्चे मस्ती करते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको सब पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या भरना है। तो आप इस तरीके से ये देखिए इसमें भर देंगे तो ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। था ना बहुत आसान सा काम, तो अब आप इसे आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, और अब हमारा ये पाठ हो जाता है कंप्लीट।